सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नगरपालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 के लिए आज द्वितीय चरण में मतदान चल रहा है। बिहारशरीफ नगर निगम के सभी 51 वार्डों में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। मतदान के दौरान नगर निगम क्षेत्र के कुछ जगहों पर वोगस वोट डालने को लेकर प्रत्याशियों एवं समर्थकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। विहार थाना क्षेत्र के विहार शरीफ के गढ़पर मोहल्ले के बूथ संख्या 8 सामुदायिक भवन के पास दो प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गया, जहां जमकर पथराव हुआ है और इस दौरान दो लोग जख्मी हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया, जबकि नालंदा के डीएम और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना लहेरी थाना क्षेत्र के पैरू महतो सुमरी कॉलेज के पास हुई, जहां दो प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गया। बताया जाता है कि मतदान केंद्र संख्या 5 पर बोगस वोट डालने को लेकर झड़प हुई, जहां पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान चल रहा है। नालंदा जिला प्रशासन के तमाम वरीय अधिकारी एवं जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट अलग अलग मतदान केंद्रों पर घूम घूम कर मतदान का जायजा ले रहे हैं, ताकि मतदाता निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कर सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।